पब्लिक ट्रांसपोर्ट इन कराची, फरवरी 2022। ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का आप हाल देखें। इसमें लोग, कराची के लोग सवारी करते हैं। कोई लाइट्स भी नहीं हैं पीछे के इंडिकेटर दे सके टर्निंग के लिए या कुछ भी। इसमें भी आप देखें क्या हाल है, क्या बनाया हुआ है। ये रक्षे का भी मंजर देखें। ये फरवरी 2022 के पिक्चरें हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो अभी आपने पिक्चरें देखी, उनको फिटनेस सर्टिफिकेट कौन इशू करता है और कैसे करता है? आप जब सड़कों से गुज़रते हैं तो देखा होगा कि पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, सिंध ट्रैफिक पुलिस लोगों को रोकती है चेक करने के लिए। बहुत अच्छा है, चेकिंग होनी चाहिए, इस पर कोई एतराज़ नहीं है। क्योंकि अगर चेकिंग नहीं होगी तो स्ट्रीट क्राइम्स और क्राइम्स पे कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा? लेकिन क्या इनको चेक करना ज़रूरी नहीं है? क्या ये कानून की ख़िलाफ़ वर्जी नहीं कर रहे हैं? ये एक और मंजर चेकिंग का। बहुत अच्छा है, लेकिन इसको भी चेक करना ज़रूरी है। ये कैसे सड़कों पर चल रही हैं? सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, क्या इनकी ज़िम्मेदारी नहीं है? क्या ऐसे ट्रांसपोर्ट रोडों पर चल रहे हैं इन कंडीशंस में? शायद दुनिया में ऐसा आप नहीं देख सकेंगे मेरे ख़्याल से। कराची में ऐसा क्यों है? क्योंकि कराची लावारिस है। मैं सिविल सोसाइटी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कराची को बचाने के लिए वो अपना किरदार अदा करें। शुक्रिया।